संदेश खाली की घटना से ही पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सच अब सबके सामने है। दो आरोपी तो पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन तीसरा मुख्य आरोपी शाहजहां शेख अब तक फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने महिलाओं से पीड़ित महिलाओं से बात की और वहां के हालात को देखकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का सच अब सबके सामने आ गया है और महिलाओं के साथ दुराचार को लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। महिलाओं का आरोप है कि ममता की पार्टी टीएमसी के नेता शेख शाहजहां ने उनका यौन उत्पीड़न किया और फिर जबरन जमीनों पर कब्जा कर लिया। पीड़ित महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। हम लगातार भय में जी रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। संदेश खाली में रहना भी मुश्किल है। हम चाहते हैं कि उत्तम सरकार शिबू हाजरा को आजीवन कारावास की सजा मिलनी चाहिए। हम शांति और सम्मान के साथ रहना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते हम सब पीड़ित महिलाओं के साथ हैं। आज ही उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमें उनका साथ देना चाहिए, इसीलिए हम सब गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मिलने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कहा कि यहाँ शासन और प्रशासन आरोपियों को संरक्षण देने में लगा है। आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा, पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। वहीं संदेश खाली हिंसा मामले पर भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में फिर से मुगल शासन लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी के माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा कि महिला सीएम के राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं ही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीरहाट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया, शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग है। बाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने संदेश खाली में बलात्कार पीड़ितों की पहचान उजागर करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा कि आगामी दिनों में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अमित शाह जी देख रहे हैं पूरी बात, गृहमंत्री है वो देश के, उसको सब उनको सब पता है। तो आदरणीय गृहमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है और कश्मीर जैसे समस्या का समाधान आदरणीय गृहमंत्री जी के हाथ से हुआ है। तो बंगाल क्या चीज है, ममता बनर्जी क्या चीज है, सीधा करेंगे सबको। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव की उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने संदेश खाली मामले की जांच और ट्रायल को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने और सीबीआई और एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी। जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही मामले का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दखल देने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता ने जो मांगे रखी हैं उन पर आदेश देने में हाईकोर्ट भी पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है, संदेश खाली महिलाओं के उत्पीड़न पर मौन राज्य सरकार। तीन प्रमुख मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुजा कपूर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनुजा जी आपका स्वागत है, प्रकाश चिंडालिया संपादक राष्ट्रीय महानगर,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी, और शोमित घोष राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। शोमित जी, अगर सबसे पहले आप ही से पूछना चाहें कि आखिर क्या वजह है कि अभी तक मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हो पाया है, एक ऐसा मामला जो महिलाओं के उत्पीड़न का कोई एक दो दिन के का नहीं है, ये सिलसिलेवार तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है इस इलाके में, और जिस तरह से महिलाएं अब चीख चीख के अपनी बातों को कह रही हैं, फिर क्या वजह है कि अभी भी शाहजहां शेख फरार है? नहीं, शाहजहां शेख के खिलाफ तो पहले ईडी ने गया था संदेशखाली, तो मुझे पता, मुझे नहीं पता है क्यों ईडी क्यों ये कर रहा है, क्योंकि ये मेरा बात नहीं है। वेस्ट बंगाल पुलिस का जो डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि ईडी ने पहले तौर से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, तो शायद ईडी को, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टोरेट को ये करना चाहिए था पहले तौर से। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस ही इसके पहले जो लोगों के खिलाफ आरोप लगा है, उत्तम सर्दार या ये जो भी लोग हैं जिनके खिलाफ ये पर आरोप लगा है, मैं देख रहा था लोकेट चटर्जी जी इसके नाम बोल रहे थे, पश्चिम बंगाल का पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ सेंट्रल एजेंसी ने इसको अरेस्ट किया है। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है, और जो एनसीआरबी का रिपोर्ट भी है उसमें बंगाल इज द सेफेस्ट स्टेट फॉर वुमेन। अभी भी आप ये कह रहे हैं, अभी भी आप ये कह रहे हैं शोमित जी, ये साहस कह रहा हूं मैं कहने वाला कौन हूं, मैं ये साहस कितने के साथ कहता हूं, मैं कहने वाला कौन हूं, मैं कौन हूं बोलने वाला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो डेटा में है ना, ये डेटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डेटा को सबके सामने लाया है, मैं ये आने वाला ले बोलने वाला कौन हूँ? चलिए एक डेटा से हम भी आपको एनसीआरबी का रिपोर्ट तो पश्चिम बंगाल का सरकार नहीं बनाता है, ना तो मैं बनाता हूँ ना मेरे परिवार के कोई लोग बनाते हैं। पश्चिम बंगाल की महिलाएं तो पश्चिम बंगाल की हैं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं तो पश्चिम बंगाल की हैं। संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, जो अपने चेहरे को कवर करके आज भी अपना दर्द बयां कर रही हैं, और हम उन बातों को नहीं कह सकते कैमरे पे जिस तरह से उन महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि टीएमसी के कार्यालय और कार्यालय में उन्हें बुलाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर आपको जमीन के पट्टे चाहिए, जो ममता बनर्जी की योजना है कि अगर पट्टे चाहिए आपको अपने नाम पर तो आप आए, आप रात को रुके, आप इस तरह की जो बातें कह रहे हैं, आप इसके बावजूद भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सेफ है। अगर ऐसा कोई भी एलिगेशन किसी के ऊपर आया है तो उसको अरेस्ट किया गया है, उसको टीएमसी से भी ऑलरेडी पार्टी से एक्सपेल किया गया है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी फरार है, फरार है। शेख शाहजहां की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि शेख शाहजहां के खिलाफ पहले केस ईडी ने दिया था, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने, क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके नाम आए थे। पहले केस संदेशकाली का घटना कहां से आया, शेख शाहजहां के नाम कहां से आया, ईडी ने पहले उनके घर में रेड करने गया, तब संदेश खाली में वहां की जनता ने, शेख शाहजहां की कुछ सपोर्टर्स ने, उन सभी ने उनकी सपोर्ट में आ गया और ईडी वहां से वापस चला आया। मैं, ये मेरा बयान नहीं है, स्टेट का डीजीपी राजीव कुमार ने कहा है कि ईडी ने पहले इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई कर रहा था, अब पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस के ऊपर आया है। आप दो बातों को एक साथ मिला रहे हैं, मैं कह रही हूँ महिलाओं का उत्पीड़न, आप ईडी की बात कर रहे हैं। अनुजा जी, अनुजा जी, महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार, महिलाएं अभी भी डर में हैं। आज एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष पहुंची, उन्होंने रेखा शर्मा का साफ कहना है कि इस समय जो हालत है वहां पे बिना राष्ट्रपति शासन के कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि शासन प्रशासन का संरक्षण है जो महिलाओं ने जिन बातों को सामने रखा है। अनुजा जी, जय श्री राम। शोमित भाई, आपको शांत रहना पड़ेगा क्योंकि अब ये मेरा टाइम है, तो मैं अब नहीं चाहूंगी और मैं रिस्पेक्ट करूंगी कि आप रिस्पेक्ट करेंगे इस चीज को। और आपने अभी जो आंकड़ों के बारे में बात कर रहे, तो पहले तो मैं आप ही को जरा एनसीआरबी का आंकड़ा बता देती हूँ। 2020 के अंदर 1,58,000 लड़कियों और लोगों के खिलाफ जो बलात्कार के जो सामने केसेस नजर आए हैं वो आईपीसी के अंदर आए हैं, और आपका एनसीआर का डेटा ही दे रहा है। और एक और बात बता दूं आपके, पश्चिम बंगाल में बच्चों के खिलाफ 2020 के अंदर 10,000 से ज्यादा के खिलाफ पॉक्सो का केस लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये जगह सेफ है? कौन सी एनसीआरबी का डाटा आपके पास है, मुझे नहीं मालूम है। और आप कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डेटा 2011 से, जब होम मिनिस्ट्री के अंदर ममता बनर्जी आई हैं और उन्होंने क्या कहा था कि मैं
तृणमूल कांग्रेस जो है वो अलग करके कुछ दिखाएगा, जो पहले यहाँ पर वामपंथियों का जो राज चला करता था मैं उससे अलग किस्म से अपनी राष्ट्र बनाऊंगी। आज ममता बनर्जी पाकिस्तान बना रही है, आज ममता बनर्जी बांग्लादेश बना रही है वेस्ट बंगाल को। आज जिन औरतों के बारे में वो संज्ञान लेना चाहिए था, वैसे तो मणिपुर का संज्ञान आपने अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करके ले लिया ममता बनर्जी। क्या आज आपकी एक औरत होते हुए क्या उत्तरदायित्व है किसी दूसरी औरत की तरफ? क्या औरतों को मीडिया में आकर चीख चिल्ला कर बोलना पड़ेगा? क्या आपके स्पोक्स पर्सन ये मांगेंगे कि क्या औरतों की वो रेप की क्लिपिंग आप ही की एक जूही जो है वो स्पोक्स पर्सन बन के बैठी है कल मेरे साथ और उन्होंने मांगा कि मुझे क्लिप दिखाओ कि कहा औरतों का बलात्कार हुआ? ये शर्मनाक है कि आप जैसे लोग जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी औरतों को आप लोगों ने खास करके क्योंकि उन्होंने बीजेपी को और जिन जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया उनके साथ बलात्कार किया, उनके सारे आपने लैंड ले लिया और ये आज जो आपने कब्जा किया है उनकी लैंड पर, वो जो लैंड है 63% सारी हिंदू औरतों के पास, जो हिंदू लोगों के पास है, उनको आपने जानबूझकर लूट खसोट करी ताकि वो आप उनका फायदा उठा सके। इन लियो ऑफ लैंड आपने के साथ बलात्कार किया, उनके साथ उत्पीड़ता किया और आज जब वो 2011 से FIR लॉन्च करने की कोशिश कर रही है तो ममता गांधी जी कहती है कि चुप रहो, आप कहती है कि आप झूठी है। क्या आप राजनीतिक हिंसा सिर्फ और सिर्फ हिंदू औरतों के साथ नहीं कर रही? क्या हिंदू औरतों को ही प्रताड़ित आप नहीं कर रही? क्या आपने 30% वोट के लिए मुसलमान वोट के लिए क्या आपने अपने अपना ईमान गिरवी नहीं रख दिया? क्या आप इस बात को मानती है कि सिर्फ ये शाहजहान है वो आप ही के पल्लू के नीचे छुपके छुपा है, आप उसको ढूंढना नहीं चाहती, उसको कहीं बाहर पुलिस वालों को देना नहीं चाहती? और कौन से पुलिस वालों ने अरेस्ट किया? आज जब भाजपा ने बात करी तब 2011 का ये केस है और ये बात कब उठ रही है और ये बात और उसको अरेस्ट कब किया जा रहा है? आज आप केस सोमित जी सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है आखिर क्यों चुप बैठी रही आपकी सरकार एक इतने लंबे समय से लगातार उन महिलाओं ने कोशिश की शिकायत करने की लेकिन उनकी किसी भी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी बात यह हुई कि ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि वो एक नई राजनीति देंगी, वामपंथी दलों से हट के एक राजनीति देंगी, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि ये नेता लेकिन वही हैं? हम जहां इस समय शेख की बात कर रहे हैं शाहजहां शेख की, ये खुद भी वामपंथी नेता रहे और मुझे लगता है कि हाल ही में कुछ ही साल हुए हैं 20 या 21 में ये TMC में शामिल हुए हैं। आखिर क्या परेशानी हो रही है ढूंढने की, किस तरह का संरक्षण, क्या जो आरोप लगातार लग रहे हैं? आज जब NCW के अध्यक्ष भी मिल के गई है उनका भी कहना है कि शासन प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है इस पूरे अपराध इस शोषण को। नहीं तो मुश्किल ये है कि ममता बनर्जी के कानों तक वहां के महिलाओं की चीख पहुंच नहीं रही है। ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं उन्हें शायद पश्चिम बंगाल की जेलों के वो आंकड़े नहीं पता है जहां पर 196 महिलाएं गर्भवती हुई हैं जेल के अंदर में। जिन महिलाओं की सेल तक कोई व्यक्ति कोई पुरुष नहीं पहुंच सकता वहां पर जाकर के 196 महिलाएं गर्भवती हुई है, उन्होंने संतानों को जन्म दिया है और वर्तमान आंकड़े ये है कि वहां पर 15 बच्चे जेलों में अपनी माओं के साथ पल रहे हैं। 1.5 महीने से महिलाएं चीख चीख के कह रही हैं। आपने जिस बात को कहा कि ममता बनर्जी ने नई सरकार का नारा दिया था, उनका सबसे लोकप्रिय स्लोगन हुआ था माँ माटी और मानुष, और सच्चाई ये है कि यहाँ के मानुष यहाँ की माओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, अत्याचारित कर रहे हैं, उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनकी अस्मत छीन रहे हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भारत की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वही पुलिस मंत्री भी है, वही गृह मंत्री भी है और जिस क्षेत्र में संदेश खाली आता है वहां की जो सांसद है नुसरत जहान वो भी एक महिला है जिन्हें अभी तक 1.5 महीने में एक बार भी वहां पर जाकर के महिलाओं के आंसू पोंछने का एक उनको वक्त नहीं मिला। आज जब अनुसूचित जाति की टीम वहां पर जाती है और वो भी कहती है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की स्थिति है, आज महिला आयोग की सदस्य वहां गई है, उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से पूछा है। तृणमूल के लोग तो यह कहेंगे कि वहां पर कुछ नहीं हुआ है, मुझे यह बताएं कि अगर कुछ नहीं हुआ उत्तम सरदार गिरफ्तार कैसे हुआ, शिवू हाजरा गिरफ्तार क्यों हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा दबंग गुंडा
जो तृणमूल के वोट बैंक का जुटाने का काम करता था, लोगों की जमीनें हड़प लेता था, जो पश्चिम बंगाल सरकार पट्टे वहां पर दे रही थी, वो सरकार वो पट्टे जो है शिवू हाजरा, उत्तम सरदार और ये शाहजहां के माध्यम से डिलीवर किए जाते थे, उनकी डिलीवरी नहीं होती थी। मछलियों के चास के लिए वहां पर भेड़ी की जो जमीनें होती हैं वो लोग छीन लेते हैं। और तो ऋतु में सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, स्थानीय गरीब कई ऐसे लोगों ने बयान दिए हैं जिन्होंने कहा है कि हमारी दुकान से शाहजहां के लोगों ने, शिवू हाजरा के लोगों ने कुछ सामान खरीद लिए, पैसे नहीं दिए, किसी का 6,000 बाकी, किसी का 20,000 बाकी। और एक तो ऐसा भी दुकानदार है जिसने ये कहा कि तृणमूल पार्टी की एक रैली के लिए उन्होंने यहाँ के नेताओं के कटआउट वगैरह बनाए, उसका 1.5 लाख से अधिक रुपया बाकी है। ये क्या चीजें हो रही है? साधारण आदमी, जो गरीब आदमी वहां पर एकदम साधारण किस्म के लोग हैं, क्या ये उम्मीद है पश्चिम बंगाल? शोभित जी, महिलाओं के सुरक्षित रहने के पश्चिम बंगाल के आंकड़े तो आपके सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब संदेश खाली की महिलाएं अपने हाथ में डंडे लेके निकली, वो उस विरोध में निकली, वो उस राक्षस को खत्म करने के लिए निकली जिसने उनकी जिंदगी को इस समय, पिछले इतने लंबे समय से तबाह किया हुआ है, तो क्या ये सब आपको बनावटी दिखाई दे रहा है? ये सच नहीं लगता? देखिए, पहले बात तो यह है कि मैं बहुत समय से सुन रहा था, यहाँ पर जो बीजेपी के प्रवक्ता दीदी बैठी है वो बहुत समय से एक मोनोलॉग किया है, तो मैंने चुपचाप उस शांति से सुना। मैं उनके तो मोनोलॉग की बात नहीं कर रही शोभित जी, मैं आपसे तो सवाल कर रही हूँ। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन को आप क्या कहेंगे? और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं अनइंटरप्टेड बोल सकूं, ठीक है? पहले बात तो यह है, जो शिवू हाजरा और उत्तम सर्दार, ये जैसे जो भी लोग हैं, ये कोई भी पार्टी का हो, इन लोगों को अरेस्ट ने पश्चिम बंगाल का पुलिस नहीं किया है। और आगे के दिन में भी जो शेख शाहजहां के बात आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये शेख शाहजहां को भी, ये पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर या राज के डीजीपी के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए कि ये अरेस्ट होगा। अब महिला कमीशन की बात जो कर रहे हैं, तो महिला कमीशन जो बात आज किया है, इसके पहले भी बीजेपी का कोई रिसर्चल का कमीशन आया है, जो भी ये कहते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, बीजेपी टीएमसी की नहीं है, बात महिलाओं की अस्मिता की है। शोभित घोष जी, आप संवेदनशील ही नहीं दिखाई दे रहे। मसला ये है जिस मामले पे बात करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, जो शोषण, जो लगातार उत्पीड़ित हो रही है, शारीरिक शोषण जो किया जा रहा है, इसको कहते हैं व्यवस्था द्वारा, अगर व्यवस्था संरक्षण दे रहा है। अभी तक दो एलिगेशन आए हैं, टू एलिगेशन, ऑल ओवर टू एलिगेशन, साधारण जवानबंदी दिया गया है। और दूसरा बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े बात कर रहे हैं टेलीविजन पे आके, उसको शायद सुप्रीम कोर्ट का, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में जनता पार्टी का सपोर्टर कोई लॉयर गए थे, कोई एडवोकेट गए थे और कहा था कि जैसे मणिपुर में जिस तरीके से मणिपुर को एक मणिपुर के केस को दिखाया गया था, उसी तरीके से संदेश को भी दिखना चाहिए। शोभित जी, थोड़ी सी मानवीय संवेदनशीलता रखें। शोभित जी, उसको कहा है स्टेट की हाईकोर्ट पे जाइए, स्टेट की हाईकोर्ट इसके बारे में आपको जो चार्ज लगाना है वो चार्ज लगाएंगे। तो ये साफ है कि भाजपा का जो प्रोपागैंडा पॉलिटिक्स, ये दिस इज अ प्रोपागैंडा पॉलिटिक्स। शोभित जी, मुझे खेद है, हम लगातार बात कर रहे हैं, वो महिलाएं जो अभी भी कह रही हैं कि वो डरी हुई हैं, वो अपनी बात नहीं कह सकती, तो वो किससे डर रही हैं? काम हुआ है उसकी, वो किससे डर रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो महिलाएं किससे डर रही हैं? किसी से डर नहीं रहा है, वो बात अपने बात कर रहा है। और जिनके खिलाफ उनका एलिगेशन है, उनको अरेस्ट पश्चिम बंगाल का पुलिस ने किया है, ममता बनर्जी का पुलिस ने किया है, वो किसी से डर नहीं रहा है, बंगाल के लोग किसी से डरते नहीं। और एक बात मैं इनको अनुजा जी है, उनको बताना चाहता हूँ कि मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान ऐसा मत कीजिए, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। शोभित घोष, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये औरतों की अस्मिता की बात है। आप महिलाओं को, आपका एक नेता इलाके की महिलाओं को अगर वो कहता है कि वो रात में टीएमसी के दफ्तर में आएंगी और वो उसकी मर्जी से वहां पे रुकेंगी, वो अपनी मर्जी से वापस छोड़ के जाएगा और तमाम ऐसी लड़कियों का और महिलाओं का शोषण होगा चुन चुन के घर में घुसकर, तो माफ करिएगा, ये हिंदू मुसलमान या टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है,
ये भारत देश में रह रही महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा मामला है। पॉलिटिकल पार्टी शर्म आती है, आप अभी भी आप आज भी उतने संवेदनशील नहीं हो पाए हैं। कि अनुजा जी ने जिस तरीके से बंगाल को कहा है कि ये बांग्लादेश बन रहा है या प्रकाश जी, अनुजा जी मैं आपके पास आऊंगी। प्रकाश जी हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, अनुजा जी को समय देने से ही ये पूरा मामला राजनीतिक हो जाता है। वो यही कहेंगे भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, लेकिन क्या भारत देश में आज भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर उसी राज्य में रहते हुए नेता किसी मोहल्ले की और वहां इलाके की महिलाओं को ये कहें कि वो उनकी मर्जी से किसी के घर में जाके रहेंगी और वो अपनी मर्जी से फिर सुबह छोड़ेंगे? अगर प्रकाश अगर जी किसी की ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ हम ये कहाँ की बात कर रहे हैं और वो भी हो रहा है, लेकिन अगर नेशनल टेलीविजन में बैठकर कोई भी आदमी, कोई भी स्पोक पर्सन, कोई पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक पर्सन एक स्टेट को बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ तुलना करे, ये भी सही नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। प्रकाश जी, अनुजा जी, अनुजा जी, प्रकाश जी से मुझे कमेंट लेने दीजिए। खेल रहे हैं प्रकाश जी, तुम भी हिंदू ही है, हिंदू ही है, वो मुसलमान नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं तब से कि हिंदू हिंदू महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, मुसलमान के ऊपर अत्याचार किया है? कौन है ये उत्तम, कौन है ये हिंदू नहीं है? यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अगर आप ऐसे एक स्टेट को बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ तुलना नहीं कर सकते। शोभित जी, आपने आपने बोल दिया, प्रकाश जी को बोलने दें तो वो उनकी बात सुन ले। जी प्रकाश जी, शोमिता मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया आज की टिप्पणी का, पिछले हफ्ते में हाई कोर्ट की एक टिप्पणी का हवाला दे दूं, जब आपकी ही पार्टी के एक वकील एक मामले में पेश हुए थे उस वक्त हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आप चुप रहिए, ये अदालत है, ये संदेशकारी नहीं है। ये इस टिप्पणी का महत्व भी आप समझने की कोशिश करें कि अदालत भी मान रही है कि संदेशकारी की हालत कितनी संगीन है। और ये भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे काला अध्याय उभर कर आया है, जहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं आरोप लगा रही है कि हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय राजनीति का सबसे खराब हाल मणिपुर में हो चुका है, मणिपुर में होता है। बिल्कुल प्रकाश जी, संदेश खाली की महिलाओं ने एक लंबी चुप्पी तोड़ी है और इस चुप्पी के टूटने के बाद अब सामने आएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी एक महिला है, बशीरहाट जो इस इलाके में आता है ये विधानसभा क्षेत्र, वहाँ की सांसद भी महिला है। आखिर महिला शासकों के नीचे, सिर्फ उनकी आंखों के नीचे अगर महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है तो वो खामोश क्यों है? अगर आप एक ये मामला थमने वाला नहीं है। अनुजा जी, अनुजा जी मुझे माफ करिएगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से, सिर्फ 10 सेकंड अनुजा जी, वीरभूमि वायलेंस हंसखली की नदिया पुरुलिया और नौखाली 1946 भूलिएगा मत भाई साहब। और आपका टीएमसी एमएलए नारायण गोस्वामी क्या बोल रहा था, नारायण गोस्वामी क्या बोल रहा था कि एक औरत के बदन को देखकर, एक औरत के बदन को और उसके स्किन कलर को देखकर पता लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट की है या नहीं, और वो औरतें सामने आ रही है जो फेयर स्किन है। अनुजा जी, अनुजा जी, संदेश खाली की महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है, अब देश सुन रहा है वो लगातार किन बातों को सामने रख रही है, उम्मीद करेंगे कि उन महिलाओं को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, न्यूज़ नाइट में।